लेवल, यहाँ इतना लेवल एक चीज का, यहाँ इतना है. अब इसने अगर यहाँ जाना है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू दी हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेंट. अब आप बताओ यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी लगी थी क्योंकि उसने कम से ज्यादा Sure.
संभालने के लिए सपोर्ट की बात है, लेकिन ये कहते हैं कि ये भी ट्रांसफर हो सकता है लेकिन उसे किसी हेल्प की जरूरत है, किसी के लिए प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, इस बारे में भी हमने अभी से सिंपल को डिस्कस किया। सिंपल कहते हैं डोंट नीड एनी हेल्प। अब सिंपल से आपके पास चार टाइप्स आती है, एक है लिपिड सॉल्युबल, एक है एक्वापोरीज, वोल्टेज रेटेड केमिकल रेटेड, चार। इसमें हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। ये आप लोग पढ़ चुके हो लिपिड सॉल्युबल, मतलब कि कहां से गुजरेगा लिपिड सॉल्युबल, इसमें से गुजरेगा। तो हमने कहा था कि ये जो लेयर है ये लिपिड लेयर है और इसमें से क्या गुजर सकता है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या पास होंगे, और फैट्स के अलावा जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, जो वाटर है, वो कहां से पास होगा, जो कि मैंने भी यहां आगे लिपिड सॉल्युबल में से क्या पास होगा, फैट्स कैन इजीली पास। मतलब कि जो आपके पास लिपिड बायलेयर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ फैट्स लिपिड्स वगैरह पास होंगे, लेकिन किस डिफ्यूजन के थ्रू होंगे, सिंपल, और सिंपल में भी क्या है, ये पैसिव डिफ्यूजन है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक समझाइए, लेकिन वो चीजें जो कि वाटर है या वो चीजें जो वाटर सॉल्युबल है वो कहां से पास होंगी। ठीक है, तो एक आपके पास फोर होता है जिसे कहते हैं एक्वा कोरीज। एक्वा मतलब वाटर, कोरीज मतलब पोर्स। आपके सेल मेम्ब्रेन पर मैंने यहां एक एक्वा कोरीज बनाया। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये क्या है आपके पास, एक्वा कोरीज। एक्वा कोरीज, एक्वा मतलब वाटर, कोरी मतलब पोर्स। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में आपके पास क्या है, पोर्स। पोर्स मतलब सूरी, मतलब स्पेस गुजरने से पर। ठीक है, ज्यादा नहीं होते, स्पेस होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसमें से क्या पास होगा, वाटर, या तो वाटर या तो वो चीजें जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ फैट पास होगा, करंट। हां,
सेल्फ एम्ब्रेस इन चीजें पास होंगी वो डिपेंड करती हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, आपके वोल्टेज पे डिपेंड करती है। एक गेट टाइप है और एक केमिकल है। इसका मतलब है कि आपके चार्ज आपके इलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है कि किसने आना है किसने जाना है। लेकिन केमिकल मतलब क्या है, ये केमिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब कि इस तरह के पास दो चैनल है, एक सोडियम चैनल होता है एक पोटेशियम। और जो सेल्फ मेम्ब्रेन है इसमें एक तो लिपिड लेयर थी, एक तो एक्वाबेस थी। अब इसमें आपके पास सोडियम चैनल भी है, पोटेशियम चैनल भी आ गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, एक्टिव है पैसिव। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पैसिव। पैसिव होता है फ्रॉम वायर टू कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी। Yeah.
बात भी कि इसका साइज छोटा है, बहुत आराम से पास होना चाहिए, लेकिन सोलर का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, एक तो ये बात, ये भी होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, लेकिन होता ये है कि जब ये यहां से पास और होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि वो अपना हाइड्रोजन कार्बन आयन ऑक्सीजन को नहीं दे पाता। तो जब तक वो हाइड्रोजन वो H2O को नहीं देगा, वो यहां से पास नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ मसला ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जब वो यहां से पास होगा तो वो अपना H2O और लूप्स को नहीं दे पाएगा। आपके पास यहां लाइनिंग होती है अमाइनो एसिड, ये भी क्या होता है सोडियम होता है, सोडियम आता है इसके साथ क्या होगा H2O, वो अपना H2O यहां दे देगा और फिर खाली इंटर हो जाएगा। लेकिन जो अमाइनो एसिड यहां प्रेजेंट है उसमें क्या चार्ज है नेगेटिव और सोडियम क्या है पॉजिटिव, तो आ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में क्या आया, डिफरेंस ये आ जाता है यहां अमाइनो एसिड है, यहां कार्बन आयन ऑक्सीजन है, मेन डिफरेंस। दूसरा ये है कि ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, लेकिन यहां हमने उन्होंने बात की फोर लूप्स की जो कि यहां नहीं है, यहां बात की चार और डीज के जो यहां नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कंबाइन वोल्टेज जेनरेटिंग चार्ज। आ रही समझ? ठीक है, तो सिंपल में अगर हम अपने तीन बातें पढ़ें, रिपीट सॉरी फॉर एटम और डीज वोल्टेज मैम आपने कहा था कि ये पासवर्ड नहीं हो सकते, फिर कैसे हो? इसमें अमाइनो एसिड है, इसमें अमाइनो एसिड नहीं था, सोडियम को पास होने के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने कहा था ये भी नेगेटिव है, ठीक है वो भी नेगेटिव था, लेकिन यहाँ क्या चाहिए इसको अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात ये है कि इसी को कंटिन्यू करते हैं कि सोडियम चैनल पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने बताया कि ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये बीच में है सोडियम चैनल्स, ये है सेल मेम्ब्रेन और बीच में क्या है पोटेशियम चैनल्स। अब बात ये है सोडियम कहाँ ज्यादा होता है, अंदर के बाहर? सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है कि सेल के अंदर? बाहर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन की हम लोग कहते हैं ये आउटसाइड है और ये इनसाइड। ठीक है, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है। ठीक है, अगर देखो तो ये गेट अभी बंद है। ठीक है, ये गेट अभी बंद है और सोडियम बाहर है, सोडियम में कहां आ रहा है अंदर अंदर आ रहा है, लेकिन व्हेन विल गेट ओपन, सोडियम कब, सोडियम का गेट कब खुलेगा कि सोडियम अंदर है, ऐसा क्या होगा? पोटेशियम साथ रहेगा जब सोडियम
स्टिमुलस सेम है, ये डिफरेंस नहीं है। स्टिमुलस क्या होगा कि जैसे ही अगर नेगेटिविटी कम होगी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। थर्ड डिफरेंस ये है गेट्स का, इसके गेट बाहर होते हैं, इसके गेट अंदर होते हैं। बात क्लियर हो गया? ये कहते हैं केमिकल गेटेड, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा लिपिड, एक्वापोरीज, वोल्टेज गेटेड एंड अब पढ़ेंगे केमिकल। केमिकल का मतलब अभी हमने ये बात की कि ये गेट कब ओपन हो रहे थे चार्ज की बेस पर, तो इसे क्या कहते हैं वोल्टेज गेट। जैसे ही चार्ज में डिफरेंस आएगा तो वोल्टेज गेट ओपन होंगे, लेकिन ये गेट तब ओपन होंगे जब कोई केमिकल आएगा। इसका नाम क्या है? केमिकल गेट। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्ड टू केमिकल, इसके बारे में कभी सुना? एसिटाइलकोलीन इज अ हार्मोन, एसिटाइलकोलीन नाम सुना है, ठीक है। एसिटाइलकोलीन एक केमिकल एक हार्मोन है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल दी है जब एक नर्व ने दूसरी नर्व को कोई चीज ट्रांसमिट कर दी, तब आपके पास ये केमिकल वाले यूज हो गए। या एक नर्व ने किसी मसल को स्टिमुलेट करना हो तब ये यूज होते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे आगे कोर्स में कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें भी इसी का काम है, ठीक है। तो क्या कहते हैं केमिकल इंटेलिजेंस कब यूज होते हैं? जब नर्व टू नर्व ट्रांसमिशन हो, जब नर्व टू मसल ट्रांसमिशन होता। ये है ये जो बात लिखी है ना, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा लिपिड, एक्वापोरीज, वोल्टेज गेटेड एंड अब पढ़ेंगे केमिकल। केमिकल का मतलब अभी हमने ये बात की कि ये गेट कब ओपन हो रहे थे चार्ज की बेस पर, तो इसे क्या कहते हैं वोल्टेज गेट। जैसे ही चार्ज में डिफरेंस आएगा तो वोल्टेज गेट ओपन होंगे, लेकिन ये गेट तब ओपन होंगे जब कोई केमिकल आएगा। इसका नाम क्या है? केमिकल गेट। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्ड टू केमिकल, इसके बारे में कभी सुना? एसिटाइलकोलीन इज अ हार्मोन, एसिटाइलकोलीन नाम सुना है, ठीक है। एसिटाइलकोलीन एक केमिकल एक हार्मोन है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल दी है अच्छा मैंने इसका यूज सुनो, यूज क्या है? केमिकल वेलिड केमिकल्स का यूज होता है तब जब एक नर्व ने दूसरी नर्व को कोई चीज ट्रांसमिट कर दी, तब आपके पास ये केमिकल वाले यूज हो गए। या एक नर्व ने किसी मसल को स्टिमुलेट करना हो तब ये यूज होते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे आगे कोर्स में कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें भी इसी का काम है, ठीक है। तो क्या कहते हैं केमिकल इंटेलिजेंस कब यूज होते हैं? जब नर्व टू नर्व ट्रांसमिशन हो, जब नर्व टू मसल ट्रांसमिशन होता। ये है ये जो बात लिखी है ना, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले डेट पे, लेकिन मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले दिए। ये नर्व है, नर्व के अंदर क्या है? एसिटाइलकोलीन केमिकल है, इसने रिलीज किया और दूसरी नर्व के ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। हमने कहा ना कि इसका काम क्या है? नर्व टू नर्व या नर्व टू मसल। मैंने